बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सीन। आज रात से एतवार 21 जनवरी और आने वाले मजीद 8 से 10 रोज़ के दौरान जनवरी के बकिया दिनों में मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, शदी धुंध और सर्दी की सूरत हाल क्या होगी और मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिलों के जेर असर आखिरकार लंबे अरसे बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बढ़ते हुए इम्कान के हवाले से बड़ी अपडेट पेश खिदमत है। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमे मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज रात से एतवार 21 जनवरी और आने वाले मजीद 3 से 4 रोज़ के दौरान भी सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली सिंध समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में और खुसूसन सुबह पंजाब के ज़्यादातर बालाई बस्ती और जनूबी अज़ला में रात और दिन के दौरान शदीद धुंध और सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में दिन के दौरान धूप निकल आएगी, तहम नसरीन धुंध का मुकम्मल तौर पर खात्मा अब जनवरी के आखिर तक ही मुमकिन हो सकता है। बारिशों और बर्फबारी के हवाले से बात की जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क में दाखिल होने वाले नए मगरबी सिलसिले के जेरे असर कोयटा, तुरबत, पंजगूर, नौकुंडी, दालबंदीन, ग्वादर, पसनी और माड़ा, मकरान, जीवानी, लसबेला समेत सुबह बलोचिस्तान के जुनूब मगरबी साहली इलाकों में और कराची में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद। तहम फिलहाल मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। तहम 25-26 जनवरी से 30-31 जनवरी के दौरान और फरवरी के आगाज तक मगरबी हवाओं के 2 से 3 ताकतवर सिलसिले मुल्क में दाखिल होंगे, जिनके जेर असर कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई और वस्ती इलाकों में और सुबह सिंध में भी कहीं कहीं बारिश और पहाड़ी मकामात पर शदीद तरीन बर्फबारी के इम्कान मौजूद, जिसकी वजह से मौसम में बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। तेज़ ठंडी हवाएँ चलेंगी और धुंध मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी।